शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना लॉकडाउन से शहर के तकरीबन 2200 ई रिक्शा चालकों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में राज्य सरकार ई रिक्शा चालकों के अकाउंट में 15,000 रुपए जल्द से जल्द डलवा दे और उन्हें न्याय दे, ऐसी कई मांगों का निवेदन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को देने के लिए नागपुर शहर सुधार समिति के प्रवीण जी राउत, इनके मार्गदर्शन में सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने नागपुर के जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे इन्हें ज्ञापन सौंपा है। कोरोना वायरस की जनजागृति और रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने देश के साथ साथ शहरों में लॉकडाउन जारी किया है। पिछले कई महीनों से लॉकडाउन की वजह से शहर के कामकाज बंद पड़े थे। ऐसे में शहर के 2200 ई रिक्शा चालकों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। इस ई रिक्शा को चलाने वाले अधिकतर दिव्यांग महिला पुरुष ई रिक्शा चालक है। ई रिक्शा बंद होने से इनके परिवार में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और दिव्यांगों पर हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्हें दिव्यांगों की ओर से नागपुर शहर सुधार समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण जी राउत के मार्गदर्शन में नागपुर के जिलाधीश रविन्द्र ठाकरे इन्हें मुख्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। इस दिए गए ज्ञापन में ई रिक्शा चालकों के बैंक अकाउंट में सरकार 15,000 रुपए डाले, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, एसटी स्टैंड आदि जगहों पर निःशुल्क उन्हें पार्किंग की जाने की व्यवस्था हो, बिजली पानी बिल, बैंक के लोन की किस्त और ई रिक्शा चालकों को कामगार का दर्जा देकर कामगारों को मिलने वाली योजना इन दिव्यांग ई रिक्शा चालकों को दी जाए, इन तमाम मांगों को मेंशन किया हुआ एक ज्ञापन जिलाधीश को प्रवीण जी राउत इन्होंने दिया। इसी क्रम में राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को भी दिव्यांगों की समस्या से अवगत कराया। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को इस समय हमारे साथ में आइए, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो ज्ञापन दिया गया है अब वे क्या कामकाज करने वाले। सर, ये पता कि जिस तरह से आज ये नागपुर शहर सुधार समिति की ओर से आपको दिव्यांगों को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है, क्या करना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, प्रवीण जी राउत और उनके सारे अपने दिव्यांग पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने और नागरिकों ने आज जिलाधिकारी को निवेदन दिया है। मैं प्रवीण राउत जी ने जो डिमांड्स की है कि 15,000 रुपये उनके अकाउंट में डालना चाहिए, जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन पे निःशुल्क पार्किंग मिलनी चाहिए, बिजली बिल, पानी बिल माफ़ करना चाहिए, बैंक के हफ्ते माफ़ करना चाहिए, ई रिक्शा उनकी नोंदनी करना चाहिए, ये जो अच्छी डिमांड की है देश की सरकार और राज्य सरकारों को। प्रवीण जी राउत के साथ में था कलेक्टर के पास और कलेक्टर ने कहा है कि ये निवेदन हम सरकार को भेजेंगे। मैं भी पूर्व मंत्री करके ये निवेदन सरकार को भेजता हूँ। तो बिल्कुल, आप थे पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जिन्होंने ये लोगों को आश्वस्त किया है कि उन्हें जो ज्ञापन मिला है वो उस माध्यम से वे सरकार तक पहुंचने के लिए पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। पिछले 70 दिन से लॉकडाउन की वजह से ई रिक्शा का कारोबार बंद पड़ा है। ई रिक्शा चालकों को न्याय मिले, ऐसी जानकारी इनबीसीएन के समक्ष केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण जी राउत इन्होंने दी है। दर्शकों, इस समय में इनबीसीएन की टीम जिलाधिकारी के उस कार्यालय परिसर में, जहां पे ई रिक्शा के ये तमाम चालक अपनी मांगों को लेकर इन्होंने एक ज्ञापन हाल ही में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने दिया है। आखिरकार वो जो ज्ञापन दिया गया है उसमें कौन सी बातें मेंशन की गई है, क्या कहना इनकी और क्या मांगे, ये तमाम बात जान रहे हैं हम आज समय में। सुधार समिति के प्रवीण जी राउत इस समय हमारे साथ में, जो इनका सबके मार्गदर्शक है, उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिलाधिकारी कार्यालय पर जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि सैकड़ों ई रिक्शा चालक यहाँ पे आए हुए हैं, आपने ज्ञापन भी दिया है 5 लोगों को अंदर जाके, ज्ञापन में क्या बातें लिखी हुई थी, क्या कहना चाहोगे, क्या है इनकी मांग? देखिए, ई रिक्शा चालक जो विशेष वर्ग है उसमें ज्येष्ठ नागरिक और दिव्यांगी यानी अपंग वर्ग और महिला भी ज्यादा है, और ऐसे में लॉकडाउन के वजह से उनकी अगर रोजी रोटी ई रिक्शा के चक्के अगर पहिए थम गए तो उनका जीवन यापन भी थम गया, उनके खाने की और बाकी की व्यवस्था कैसी होंगी। इस सब समस्या से ग्रस्त और त्रस्त सब ई रिक्शा चालक यहाँ आए और अब नागपुर शहर सुधार समिति केंद्रीय ग्राम सभा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे इन्हें ज्ञापन दिया माननीय रविंद्र जी ठाकरे साहब के माध्यम से कि ई रिक्शा चालकों को
15,000 उनके अकाउंट पे इमरजेंसी फंड, कोविड इमरजेंसी फंड करके डाला जाए और ई रिक्शा चालकों को कामगार वर्ग में नोंद किया जाए ताकि कामगारों की जो सुविधा और सेवाएं है वो इनको लागू हो जाए, वो योजना इनको लागू हो जाए। तीसरी बात, ई रिक्शा ऐसा वाहन है जो प्रदूषण रहित है, पोल्यूशन फ्री वाहन है, प्रदूषण नहीं करता है, इको फ्रेंडली है। तो ऐसे में ई रिक्शा को अगर समझो, क्यों ना सार्वजनिक जो स्थल है, वाहन स्थल है, जैसा एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ मुफ्त फ्री पार्किंग इनको किया जाए। बस यही मांग को लेके हमने माननीय पंत प्रधान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन दिया है और ठाकरे साहब जो हमारे जिलाधिकारी है उन्होंने बोला है कि तुरंत यह मांग हम अपने लेवल पे क्या करना चाहेंगे वो करने का प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री और पंत प्रधान जी को हम ये निवेदन जल्दी से जल्दी कार्रवाई के लिए भेजेंगे। आपने ज्ञापन जरूर दिया है, लेकिन यदि आपके मांगों को दरकिनार कर दिया गया तो आपकी अगली रणनीति भविष्य में किस प्रकार की होगी? देखिए, रणनीति युद्ध में तैयार की जाती है और युद्ध में रणनीति ये कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि पूरा देश युद्ध में डूबा है। कोविड के साथ हमारा युद्ध है, शासन और प्रशासन के साथ नहीं, क्योंकि शासन और प्रशासन तो फिलहाल नागरिक, शासन और प्रशासन मिलकर यह युद्ध अपने को कोविड के विरोध में जीतना है। हाँ, लेकिन मूलभूत अधिकारों का अगर होना हो अधानन होता है तो इसके लिए सर्वश्री शासन प्रशासन यह जवाबदार रहेगा, क्योंकि मूलभूत अधिकारों की पूर्तता करना यह शासन प्रशासन का मूलभूत कर्तव्य है। धन्यवाद, जय हिंद। तो आप थे प्रवीण जी राउत, जिन्होंने बखूबी बेबाक के साथ बात करते हुए ये बात बताई कि दिव्यांगों पर किस तरह से अन्य अत्याचार हो रहे हैं, कोविड-19 को लेकर लोग अपने लॉकडाउन के चलते लोग घरों में हैं, ऐसे में भुखमरी की नौबत उनके ऊपर में आ पड़ी है। आप देख सकते कि तमाम जो ई रिक्शा चालक के जो दिव्यांग लोग हैं बड़ी संख्या में आज जिलाधिकारी के इस कार्यालय परिसर में यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन में ये कहा गया है कि तकरीबन 15,000 रुपये हर किसी के अकाउंट में डाले ताकि उनके ऊपर में जो भुखमरी की नौबत है वो नहीं आए और उनके जीवन, उनके और उनके परिवार का अच्छा गुजर बसर हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे एसटी स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे का स्टैंड हो, ये जहां जहां ये ई रिक्शा जो प्रदूषण रहित है ऐसे जो वाहन है इन वाहनों को निःशुल्क वहां पे खड़े रहने की इजाजत दी जाए और इनके जो मूलभूत सुविधा है, इनके जो मूलभूत अधिकार है वो पूरी तरह से इन्हें दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। आजाद देश के आजाद नागरिक होने का मान भी इन्हें मिलना चाहिए और इन्हें मिलना चाहिए। इस प्रकार की गुहार लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय से ये तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर यहां पे आ गए। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे जी हो, ये कितने प्रतिशत और किस प्रकार से इनको न्याय देते हैं एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि घोड़ा मैदान जो नजदीक है। नागपुर के जिलाधीश कार्यालय परिसर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।